बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूड कन्या डिग्री कॉलेज के पास दीक्षा स्टेशनरी के नाम से दुकान है। शुक्रवार रात 1 बजे दुकान में शॉर्ट सर्किट चिंगारियां उठनी शुरू हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे दुकान में आग लगना शुरू हो गई। दुकान में रखे लुब्रिकेंट ऑयल के पास जैसे ही आग पहुंची, जिससे आग दुकान में तेजी से फैलती चली गई और गैलरी में रखी स्कूटी के साथ बच्चों की खड़ी साइकिल भी जलकर राख हो गई। पड़ोसियों ने घर और दुकान को बचाने के लिए दुकान के स्वामी को फोन किया और आगाह कर दिया और सबने मिलकर दुकान पर लगी आग को बुझाने के लिए पानी डालना शुरू कर दिया। जब फायर ब्रिगेड को फोन किया और गाड़ी आते देर हो गई, तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। दुकान स्वामी राम ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही उन्होंने पहले अपने और अपने परिवार को घर से बाहर निकाला था कि वो सुरक्षित हो सकें। इसके बाद उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से घटना स्थल पर पहुंची, जिससे आग पर देर से काबू पाया जा सका। फटाफट गेट खोल के हम लोगों ने शटर खोला, बच्चों को सब बाहर किया और ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड को, तो कम से कम फोन करने के 2 घंटे बाद गाड़ी आई है। तब तक सब जल चुका था, आधे घंटे बाद पुलिस आई है और 2 घंटे बाद कभी फायर ब्रिगेड आई है। तब तक सब कुछ जल चुका था। ये है हमारी ड्यूटी की सर्विस है। अगर टाइम पे गाड़ी आ गई होती फायर ब्रिगेड की तो सब माल बच गया होता हमारा। इतना जो नुकसान हुआ है 8-10 लाख रुपये का, ये सब बच गया होता मेरा। आज हमने पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, हम तो हमने व्यापार था हमारा बिल्कुल सब बिल्कुल चौपट हो गया, बिल्कुल चौपट क्या खत्म ही हो गया। लगभग कितने का माल आपका चला है इसमें? 10 लाख रुपये भैया, 8 से 10 लाख रुपये। स्टेशनरी काम था फुल, थोड़ा बहुत हम काम करते थे, थोड़ा देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।